ONGC में जॉब दिलाने के नाम पर उम्मीदवारों के फर्जी इंटरव्यू कराकर ठगा जाता था। पुलिस ने इस जॉब रैकेट का पर्दाफाश कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रैकेट चलाने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म का डायरेक्टर, एक ग्राफिक डिजाइनर और एक इवेंट मैनेजर शामिल था। बताया जा रहा है कि मंत्रालय के स्टाफ के लोग भी इनके साथ मिले हुए थे और उच्च सुरक्षा वाले कृषि भवन के सरकारी अधिकारियों के कमरे में उनकी अनुपस्थिति में इस्तेमाल किया जाता था। इस गैंग के ग्रामीण विकास मंत्रालय के चौथी श्रेणी के दो कर्मचारियों को अपने साथ मिला रखा था, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ थे, और जब अधिकारी छुट्टी पर होते थे तो दोनों उन अधिकारियों के कमरे में जाकर सारा बंदोबस्त करते थे। फिर लोगों को फर्जी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, उसके बाद जॉब लेटर्स देकर उनसे पेमेंट के लिए कहा जाता था। आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय किशोर कुणाल, 28 वर्षीय वसीम, 32 वर्षीय अंकित गुप्ता, 27 वर्षीय विशाल गोयल और 32 वर्षीय सुमन सौरभ के तौर पर हुई है। मंत्रालय के स्टाफ की पहचान 58 वर्षीय जगदीश राज और 31 वर्षीय संदीप कुमार के तौर पर हुई है।